हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। अभी सुबह के 6 बजे है एंड इट्स मंडे। मंडे का मतलब है आज हमारा होगा पुश डे। मैं ट्राई करूंगा कि हमारा वर्कआउट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए एंड हम वापस आके जल्दी से जल्दी खाना बनाएं, क्योंकि हम आज लास्ट टाइम पनीर बनाने वाले हैं। उसके बाद पनीर का खेल खलास हो जाएगा और मैं उसके बाद पनीर कभी नहीं बनाऊँगा। ट्रस्ट मी, इट्स कम्प्लीट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी फॉर मी। द रीज़न बींग कि मैं पनीर नहीं खाऊंगा, मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है उससे, प्लस मुझे पिंपल्स आ रहे हैं मेरे फोरहेड पे, जो कि मेरे फील्ड में नहीं चलता और आने के बाद वो मतलब डार्क स्पॉट छोड़ के जाते हैं। तो दैट्स वाई मैं उसे पनीर को खाना बंद कर दूंगा। प्लस डाइजेशन में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो एकदम आप सोच भी नहीं सकते इतना हो रहा है मेरे साथ। बंद तो कर दूंगा मैं, लास्ट पैकेट है। और उसके बाद आज हम खाने वाले हैं सत्तू। यस, यू हर्ड इट राइट, वी विल गोना हैव सत्तू टुडे। सत्तू का भी मेन रीज़न ये है, वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है उसे, प्लस हमें बहुत देर के लिए सैशिएटेड रखता है। प्लस सत्तू के 100 ग्राम ऑफ सर्विंग में हमें 22 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। दैट्स इवन इक्विवेलेंट टू लो फैट पनीर। अगर लो फैट पनीर में खाओ तो मुझे अराउंड 200 ग्राम में 44 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। बस उसमें से मेरी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही थी, और जो बाकी का प्रोटीन है वो फोरहेड एंड ऑल वो सब स्टफ में निकल जाता था, मतलब एब्जॉर्प्शन ही कम था उसका मेरी बॉडी में। कॉज आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट। अगर आप भी लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो आप लोग ये सब चीज़ें समझ पाओगे। इट्स वेरी हार्ड एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस गाइज। ऑलमोस्ट सारे लोग अभी सो रहे हैं, यहाँ पे जो विंडो खुली है ना यहाँ पे भी एक बंदा सो रहा है। बट एनीवे, सूरज निकल रहा है, दिन भी अच्छा है एंड इट्स मंडे। मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ और नाउ लेट्स गो टू द जिम एंड स्मैश सम हेवी वेट्स। राइज एंड शाइन स्लीपी हेड्स। तो मुझे एक बात आपको बतानी थी कि हम आज या कल 700 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देंगे यूट्यूब पे। दैट्स मतलब ह्यूज, ऑलमोस्ट ह्यूज, क्योंकि मैंने एक अपना एक एक सब्सक्राइबर बढ़ते हुए देखा है, तो आई नो द वैल्यू ऑफ इट। प्लस वी आर ओनली 300 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम कंप्लीटिंग आवर चैलेंज। तो जितना हो सके उतना वीडियो शेयर करना मेरे भाई। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड वी आर ओनली 22 डेज आउट फ्रॉम आवर चैलेंज टू कम्प्लीट। एक बार 2 महीने ख़त्म हो जाएंगे ना, तब मैं ऐसा चैलेंज लूँगा जो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और मेरे लिए भी। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल और जल्दी से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर दो। बहुत खुशी हो जाएगी भाई, सच्ची में बता रहा हूँ, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। बबीता जी, बबीता जी को बाय बोल के हम निकल पड़े स्टेशन के लिए। लेग सोर नहीं है, कुछ सोर नहीं है, बस बैक में थोड़ी बहुत स्टिफनेस है। मैं लोअर बैक स्ट्रेचेस तो कर रहा हूँ, बट मेरा सोना ही ऐसा है कि वो फिर से वैसे ही हो जाती है। और प्लस वो जो बेड है जिस पे मैं सोता हूँ ना, उसका गद्दा अभी W आ गया है उस पर, एंड प्लस वो थोड़ा मेरे साइज से थोड़ा छोटा है, तो मुझे ऐसा डायगनली सोना पड़ता है, नहीं तो मैं फिट नहीं होता उस कॉट पे। तो ये भी एक स्ट्रगल है भाई। मिस हो गई। गॉट द बनाना। कल रात हमने सिर्फ 8 पीनट बटर सैंडविचेस खाए और उसी पे हम अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। मुझे भूख बहुत लगी है, मेरा पेट मतलब आवाज़ कर रहा है भाई, कुछ डाल अंदर। बट कल का तो मैं गेस कर ही लूँगा क्योंकि वो होना ही था कल, क्योंकि मुझे याद ही नहीं कि मैं भाई कितनी देर से एडिटिंग कर रहा था। कम से कम 3-4 घंटे तो लगे मुझे। प्लस वो जो ब्रेड का पॉकेट था ना, वो एक्सपायर होने वाला था, तो आई थॉट सुबह मंगाया यार और शाम को ख़त्म करना पड़ा। कोई बात नहीं, अभी जाते जाते और एक ले लूँगा मैं, फिर घर जाके पहले पीनट बटर खाऊँगा,
पीनट बटर सैंडविचेस खाऊंगा। वी हैव अराइव्ड एट द जिम बॉयज। आई डोंट नेवर स्लो अप, नो आई डोंट टेक शिट, आई गॉट नो लव फॉर द फेकनेस, इफ यू वांट टू प्ले टफ एंड वांट टू हेट दिस आई विल शो अप। आई डोंट नेवर स्लो अप, नो आई डोंट टेक शिट, आई गॉट नो लव फॉर द फेकनेस, इफ यू वांट टू प्ले टफ एंड वांट टू हेट दिस आई विल शो अप एंड मेक अ स्टेटमेंट। आई डोंट नेवर स्लो अप, नो आई डोंट टेक शिट, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective, I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Workout एकदम खतरनाक वाला था, pump भी बहुत crazy आए, आपको दिख ही रहा होगा, plus आज हमने लोअर बैक स्ट्रेचिंग करी बहुत अच्छे से और कुछ क्लिप्स भी शूट्स करे आपके लिए। अराउंड मुझे 10 ही बज गए आज वर्कआउट तो मेरा 9 बजे ख़त्म हो गया था, उसके बाद हमने थोड़ी पोजिंग करी, उसमें गए 15-20 मिनट्स, देन उसके बाद स्ट्रेचिंग करी, उसमें आधा घंटा चला गया एंड नाउ इट्स 10 ओनली। जस्ट डन द 1 आवर रीडिंग सेशन। मैंने सोचा था कि मैंने टाइम लैप चालू कर दिया, बट जब मैंने मतलब मेरी रीडिंग सेशन ख़त्म हो गया, जब मैंने ट्राईपॉड चेक किया तो माई मोबाइल वॉज ऑफ, तो मैंने सोचा यार लग गए फिर से, मतलब क्या हो रहा है यार मेरे साथ, मैं चीज़ों को भूल क्यों रहा हूँ। मैंने क्लिक तो किया था, मुझे आवाज़ भी आया था क्लिक का, बट हाउ डिड दिस हैपन जाने, तो मैंने सोचा छोड़ो अभी। अभी मैं थोड़ा मतलब धूप अभी थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी देर राह देखूँगा मैं, अगर धूप कम हुई तो हम कार्डियो करने निकल जाएंगे, नहीं तो फिर घर पे ही करना पड़ेगा, यहाँ पे बालकनी में घूमेंगे थोड़ा बहुत आधा एक घंटा एंड उसके बाद हम आज का सेशन ख़त्म कर देंगे। हमने 45 मिनट्स कार्डियो किया। मैंने डेविड गॉगिन का एक पॉडकास्ट लगाया था, तो वो पॉडकास्ट सुनते सुनते 45 मिनट्स हो गए और रिमेनिंग जो पॉडकास्ट है वो मैं कल सुनूंगा। एंड अभी मेरे लेग्स काफ़ी सोर हो गए, मैं बहुत दिनों से मैंने कार्डियो नहीं किया था तो मेरे लेग्स काफ़ी सोर हो गए एंड प्लस अभी मैं बहुत मतलब अगर टायर्ड फील कर रहा हूँ, मैं जल्दी कुछ खा लूँगा एंड वीडियो एडिट करने लग जाऊँगा। तो इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, मैं मिलूँगा आपको कल, टिल देन पीस आउट।